दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट के साथ हो रही घटनाओं के बारे में तो हमने बहुत सारी चर्चाएं की हैं। हमने लोगों को उनका उनके लिए जवाब दिए हैं कि देखो भाई, नॉर्थ ईस्ट को आपने क्यों रेस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन नॉर्थ ईस्ट को रेस्पेक्ट करने का रीज़न जो है ना, वो आज एक लेडी ने दे दिया है, जिनका नाम है साइकॉम मीराबाई छानो, जो कि मणिपुर की रहने वाली है। उन्होंने क्या किया है, मैं आपको वीडियो के साथ दिखाने वाला हूं और उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। हेलो, हाय, नमस्ते, मैं हूं आपका दोस्त दिलीप शर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं के अपने चैनल एडीज एम्पायर में। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि यार, अगर आपने अब तक चैनल को नहीं किया है ना सब्सक्राइब, तो अभी कर दे और साथ साथ बजा दे बेल, क्योंकि यहां पर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके सामने लेकर के आते रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, साइकॉम मीराबाई छानू नॉर्थ ईस्ट मणिपुर की एक लेडी है, जो कि हाल ही के दिनों में ओलंपिक्स के लिए वो क्वालिफाई किया था उन्होंने और ओलंपिक्स के लिए वो गई थी। अभी देखिए दोस्तों, वैसे तो हमने अक्सर देखा है कि नॉर्थ ईस्ट की लड़कियों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। हाल ही के दिनों में मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, कल ही एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें नॉर्थ ईस्ट की लड़कियों के साथ कुछ बुरा व्यवहार किया गया था। लेकिन मैं उन सारे लोगों को जवाब देने के लिए ये आपके सामने एक वीडियो अपलोड करता हूं, जो कि बहुत ही ज्यादा प्राइड का मोमेंट है, नॉट ओनली फॉर नॉर्थ ईस्ट बट फॉर होल इंडिया। आप पहले ये वीडियो देखिए। ये है साइकॉम मीराबाई छानू, जैसा कि मैंने आपको बताया, मणिपुर की रहने वाली है और ये वेट लिफ्टर है, और ये हाल ही के दिनों में इन्होंने क्वालिफाई किया था ओलंपिक्स के लिए, और ओलंपिक्स में जाकर के इन्होंने भारत का नाम रोशन किया है। इन्होंने पहला मेडल इंडिया के खाते में दे दिया है, इंडिया की झोली में पहला मेडल जो है ओलंपिक से, वो साइकॉम मीराबाई छानू ने दिया है। और ये बहुत ही प्राइड का मोमेंट है पूरे इंडिया के लिए। जो लोग नॉर्थ ईस्ट के बारे में बोलते थे, उन्हें जो है ना, इनसे कुछ शिक्षा लेना चाहिए, उन्हें देखना चाहिए कि जो नॉर्थ ईस्ट की लड़कियां हैं, जिनके ऊपर वो बुरी नजर डालते हैं, जिनके ऊपर वो बुरे कमेंट्स पास करते हैं, नॉर्थ ईस्ट के लोगों के ऊपर जो वो व्यवहार करते हैं, वो ही लोग जो है वो इंडिया को प्राइड दिलाने में सबसे आगे हैं। जैसा कि इन्होंने अभी हाल ही के दिनों में 49 kg जो कैटेगरी है वेट लिफ्टिंग का, उसमें सिल्वर मेडल जो है वो जीत करके इंडिया का नाम रोशन कर दिया है। मैं मीराबाई छानू को सल्यूट करना चाहता हूं कि देखो, उन्होंने जो है नॉर्थ ईस्ट के साथ साथ पूरे देश का नाम रोशन किया है। आज के डेट में वो वर्ल्ड फेमस हो गई है। तो ये बात जो है, ये मणिपुर के लिए गौरव की बात है। मणिपुर ने ऐसी बेटी को जन्ना है जिसने देश का नाम रोशन कर दिया पूरी दुनिया में, और साथ साथ ये नॉर्थ ईस्ट के लिए भी प्राइड का मोमेंट है, क्योंकि देखिए, हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है 8 states, इन 8 states में से एक स्टेट जो कि मणिपुर है, वहां की एक लड़की ने जो है वो ये मेडल जीता है पूरे देश के लिए। तो ये बहुत ही गर्व की बात है, और साथ साथ ये जवाब उन सारे लोगों को है, उन सारे चूतियों को है, जो नॉर्थ ईस्ट के खिलाफ कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट की लड़कियों को बुरी नजर से देखते हैं, और वो ये सोचते हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट की लड़कियां हैं वो सिर्फ छोटे कपड़े पहनना जानती है, और उन्हें गलत नज़रों से देख करके उन पर गलत गलत कमेंट पास किए जाते हैं, जैसा कि हाल ही के दिनों में उन्हें उनसे उनका रेट पूछा गया था। और इससे पहले भी हमें पता है सैमुअल और रोजी के मामले में, रोजी के साथ क्या हुआ, सैमुअल के साथ क्या हुआ। तो ये उन सारे जो मैन लेंडर्स हैं ना, उनके लिए ये एक जवाब है कि देखो भाई, नॉर्थ ईस्ट को आप कुछ भी समझो, लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं वही इस देश का नाम रोशन करने में सबसे आगे है। ये तो पहला मेडल है जो नॉर्थ ईस्ट ने झोली में डाला है। मैं आपको बताऊं कि देखो, ऐसे बहुत सारे जो मेडल्स है ना, वो देश के खाते में आने वाले हैं, और वो सारे मेडल्स जो है ना, वो नॉर्थ ईस्ट वाले ही लेकर के आने वाले हैं, आप देख लेना। और इतना ही नहीं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि देखो भाई सिर्फ नॉर्थ ईस्ट वाले लेकर के आएंगे, और भी बहुत सारे हैं खिलाड़ी जो देश के दूसरे हिस्सों से गए हैं, वो भी लेकर के आएंगे। लेकिन नॉर्थ ईस्ट से, जो छोटे छोटे स्टेट से नॉर्थ ईस्ट, जिन्हें हमेशा इग्नोर किया जाता है, वो नॉर्थ ईस्ट क्या करने वाला है, वो इस ओलंपिक में हमें जरूर नजर आने वाला है दोस्तों। तो यही बताने के लिए वीडियो बनाया था। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगता है ना तो भाई लोगों को बताओ कि हम नॉर्थ ईस्ट वाले कैसे हैं, वीडियो को शेयर करो। अभी चलता हूं दोस्तों, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।